हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो में बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट के नोट्स को लर्न करेंगे। दिस इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक और नेक्स्ट नर्सिंग एग्जामिनेशन पर्पस। और ये टॉपिक इन्फेक्शन कंट्रोल यूनिट का टॉपिक है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लर्न कीजिएगा व्हाट इज़ द बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट डेफिनेशन देखते हैं, इसका क्या डेफिनेशन है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैज़ बीन डिफाइंड एज द वेस्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, एनिमल इन रिसर्च एक्टिविटी, इन प्रोडक्शन ऑफ टेस्टिंग बायोलॉजिकल्स। मीन्स बायोमेडिकल बेस्ड मीन्स जो वेस्ट ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के होते हैं, या ट्रीटमेंट के समय जो वेस्ट निकलते हैं, इम्यूनाइजेशन के समय जो वेस्ट होता है, रिसर्च एक्टिविटी में जो वेस्ट होता है, और जो बायोलॉजिकल टेस्टिंग में जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, उनको बायोमेडिकल वेस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बायोमेडिकल वेस्ट का दूसरा डेफिनेशन है, वेस्ट जनरेटेड इन हॉस्पिटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, इम्यूनाइजेशन, रिसर्च, ट्रीटमेंट, आइदर मेडिकल और सर्जिकल। वेस्ट जो हॉस्पिटल या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ से जनरेट होते हो, मीन्स हॉस्पिटल या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के समय, इम्यूनाइजेशन के समय, रिसर्च पर्पज़ के समय, या कोई भी मेडिकल एंड सर्जिकल प्रोसीजर या ट्रीटमेंट के समय जो वेस्ट जनरेट होते हो, उनको हम बायोमेडिकल वेस्ट के नाम से जानते हैं। सिंपल टर्म में हम इसको डिफाइन करेंगे यार, जिससे कि आप इसको याद रख सको, डी या डी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, आई इम्यूनाइजेशन, आर रिसर्च, टी ट्रीटमेंट। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। यहाँ पर डी आई आर टी डैट या डायग्नोस्टिक, टी फोर आई फोर इम्यूनाइजेशन, आर फोर रिसर्च, टी फोर ट्रीटमेंट। तो ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और इसको आप आसानी से याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजिंग बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करना क्यों इम्पोर्टेंट है देखते हैं। फर्स्ट ईयर मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन हाइजीन एनवायरनमेंट। मीन्स एनवायरमेंटल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हमको जो भी वेस्ट है उसको मैनेज करना है। नाउ इट इज एयर एनवायरमेंट पोल्यूशन इज एन राइज इज ऑन राइज, एवरी एफर्ट इज बींग टेकन बाई गवर्नमेंट टू रिड्यूज इट, दस वन स्टॉप टू कंट्रोल एनवायरमेंट पोल्यूशन इज द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट। मीन्स प्रेजेंट समय में जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, मीन्स दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर कंट्रोल दिस पोल्यूशन, क्योंकि जो बायोमेडिकल वेस्ट है सारा एनवायरमेंट में फैलता है और एनवायरमेंट को पोल्यूशन करता है। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो भी अपने मेजर्स या प्रिकॉशंस यूज करने, किस तरह से हम इस पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि बायोमेडिकल जो भी वेस्ट है हमको प्रॉपर डिस्पोज करना है, डिस्कार्ड करना है। सेकंड, प्रमोट द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स एज बायोमेडिकल वेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू इन्फेक्शंस एच आई वी इन्फेक्शंस, टीबी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्पोज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इन राइट वे टू प्रिवेंट हजार्ड टू ह्यूमन बींग एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी जो हमारा वेस्ट जनरेट होते हैं हॉस्पिटल से, हेल्थ केयर सेटिंग्स से, उनको प्रॉपर डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन करेंगे। इसके साथ साथ जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के वेस्ट हैं, ये सारा डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं इन कम्युनिटीज एरिया में बाई ह्यूमन बींग और अदर लिविंग क्रिएचर्स। मीन्स जो भी कम्युनिटी पीपल है उनको इन्फेक्टेड कर सकते हैं, तो इसलिए हमको इनको प्रॉपर डिस्पोज करना है, जिससे कि
कम्युनिटी में इन्फेक्शन न फैले। नेक्स्ट एज बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स आर नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन टाइम टू टाइम 1998 बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैज बिकम सैचुरेटेड लीगल ऑब्लिगेशन। मीन्स बायोमेडिकल वेस्ट के लिए गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जारी किए हैं, जैसा कि 1998 में हुआ है। मीन्स जो भी लीगल ऑब्लिगेशन है, मीन्स जो सैचुरेटरी बॉडीज हैं, मीन्स जो संस्थाएँ हैं, वो इस पर एक स्पेशल उनका फोकस है किस तरह से हमको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेज करना है, किस तरह से कंट्रोल करना है, जो या फिर जो उनको इस वेस्ट को डिस्पोज नहीं कर रहे उनके खिलाफ लीगल जो भी एक्शन है वो एक एक्शन ले सकते हैं। तो इस तरह से टाइम टू टाइम ये नोटिफिकेशन जारी होते हैं बाई देयर सैचुरेटरी बॉडीज। नेक्स्ट टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, द वेस्ट जनरेटेड इन हॉस्पिटल कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इन नॉन हैजार्डियस वेस्ट एंड हैजार्डी वेस्ट। हैजार्डस वेस्ट मीन्स जो खतरनाक वेस्ट है, और नॉन हैजार्डियस मीन्स जिससे खतरा नहीं है। मीन्स हॉस्पिटल से जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जनरेट होते हैं, उनको हमने दो भागों में बांटा है, नॉन हैजार्डियस वेस्ट और हैजार्डी वेस्ट। फर्स्ट देखते हैं नॉन हैजार्डियस वेस्ट। यार पेपर, प्लास्टिक, फूड मटेरियल, पील्स, डर्ट, डर्टी वाटर, किचन वेस्ट, बकेट, तो ये सारे नॉन हैजार्डियस वेस्ट हैं जो किसी भी प्रकार के बीमारी कॉज नहीं कर सकते। मीन्स जो जनरल पेपर, मैगजीन, प्लास्टिक हो गया, फूड मटेरियल, पील्स मीन्स फल फ्रूट का छिलका, डर्टी वाटर, किचन वेस्ट और बकेट, ये सारे नॉन हैजार्डियस वेस्ट में हमने इंक्लूड किए हैं। मीन्स इनसे किसी भी प्रकार का हैजार्ड नहीं है। मीन्स जो लिविंग क्रिएचर्स है, ये किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन कॉज नहीं करते। नेक्स्ट हैजार्डियस वेस्ट, हैजार्डियस मीन्स जो वेस्ट खतरा पैदा करते हैं, मीन्स जो हेल्थ के लिए खतरनाक है, इनमें देखते हैं इज पोटेंशियली इन्फेक्शियस इट अराइज फ्रॉम द पेशेंट ड्रेसिंग, स्वेपर्स, बॉडी सिक्रेशंस, फ्लूड एंड इंस्ट्रूमेंट यूज। हैजार्डियस वेस्ट मीन्स जो खतरनाक इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, जो मरीज के ड्रेसिंग से, स्वेप से, पस से, बॉडी सिक्रेशन से, फ्लूड से और इंस्ट्रूमेंट जो भी इन्फेक्टेड है उनसे फैलते हैं। नेक्स्ट ए थर्ड ग्रुप विच इज आल्सो कैटेगराइज विद हैजार्डियस वेस्ट कंसिस्ट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, केमिकल वेस्ट एंड फार्मास्यूटिकल वेस्ट। हैजार्डियस वेस्ट में भी और भी हम शामिल कर सकते हैं, जैसे कि रेडियो एक्टिव वेस्ट या केमिकल या फार्मास्यूटिकल वेस्ट। तो इस मेन टाइप में हमने टू भागों में बांटा है, नॉन हैजार्डियस एंड हैजार्डियस वेस्ट। सेग्रीगेशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट हैज़ टू बी डन इन द स्पेसिफिक बैग्स। मीन्स किस तरह से हम जो भी वेस्ट है उसको पृथक करेंगे, मीन्स अलग करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे। मीन्स जो भी हॉस्पिटल से वेस्ट जनरेट होते हैं उनको किस तरह से हमको अलग करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर येलो बैग, मीन्स येलो बैग में हमको कौन कौन सा आइटम रखना है देखते हैं। इसमें कॉटन ड्रेसिंग, ड्रेसिंग मटेरियल लाइक स्वैब, गॉज, प्लास्टर कास्ट, बैंडेजेस, बॉडी टिश्यू, एम्पुटेटेड पार्ट, माइक्रोबियल स्पेसिमेन, कल्चर प्लेट्स, एनी अदर कल्चर मटेरियल, फ्लूड, स्पुटम। तो ये सारे वेस्ट जो भी जनरेट होंगे, मीन्स कॉटन ड्रेसिंग मटेरियल हो गया, स्वैब हो गया, गॉज हो गया, प्लास्टर कास्ट हो गया, बैंडेजेस हो गया, बॉडी टिश्यू हो गया, एम्पोटेटेड पार्ट हो गया, माइक्रोबियल स्पेसिमेन हो गया, कल्चर प्लेट्स हो गया, कल्चर मटेरियल हो गया, फ्लूड स्पुटम हो गया, तो ये सारे जो भी वेस्ट है हमको येलो बैग्स में सेग्रीगेट करने हैं।
नेक्स्ट, रेड बैग में हमको क्या सेग्रीगेट करना है देखते हैं इसमें। ऑल डिस्पोजेबल लाइक कैथेटर, ट्यूबिंग, ट्रांसफ्यूजन सेट, ड्रॉपर, प्लास्टिक बोतल, डिस्पोजेबल प्लास्टिक एप्रेन, गाउन, ब्लीडिंग सेट, बायोकेमिस्ट्री वायल्स, ब्लड बैंक, प्लास्टिक वेस्ट। तो ये सारी चीज़ें हमको रेड बैग में सेग्रीगेट करना है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ब्लू बैग में देखते हैं ऑल टाइप ऑफ शार्प लाइक ग्लास मेटल, वायल, एम्प्यूल्स, प्लास्टिक लाइक ग्लूकोज बोतल, नीडल्स, ब्लैड्स, एनेस्थीसिया, प्लास्टिक यूज्ड इन सर्जरी, टोकार्ड, ये सारे हमको ब्लू बैग में रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है मिस, ऑल टाइप जितने भी टाइप के शार्प इंस्ट्रूमेंट लाइक बेस्ट है, जैसे ग्लास मेटल हो गया, वायल हो गया, एम्पल्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लूकोज बोतल हो गया, या प्लास्टिक सर्जरी टोकेंट हो गया, एनेस्थीसिया नीडल हो गया, ब्लैड्स हो गया, तो ये सारे हमको शार्प जो भी है ब्लू बैग में रखना है, ये सेग्रीगेट करना। नेक्स्ट, ब्लैक बैग में प्रॉपर ऑर्डिनरी प्लास्टिक्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पील्स, बोर्ड्स, बॉक्सेस, कार्ड्स, ग्रीटिंग फ्लोवर्स, जो भी नॉन हैजार्डियस वेस्ट है उसको हमको ब्लैक बैग में रखना है। जैसे कि हमने पढ़ा था टाइप में हैजार्डियस, नॉन हैजार्डियस वेस्ट में, जैसे कि पेपर हो गया, प्लास्टिक, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, ओके हो गया, पील्स, बोर्ड हो गया, बॉक्सेस, कार्ड्स, ग्रीटिंग्स, फ्लावर्स, तो ये सारे हमको ब्लैक बैग में सेग्रीगेट करना है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसके साथ साथ कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी ये पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, लर्न कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसे लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल या आनंद नर्सिंग फाइल, एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।